मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आज से शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे होटल रेस्टोरेंट। शराब तस्करी में एक गिरफ्तार। भोपाल संडे लॉकडाउन। आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। आज से शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे होटल रेस्टोरेंट। सभी निजी दुकानें दोपहर 4 बजे तक खुले रहेगी। रेस्टोरेंट, होटल, उपहार गृह, डाइनिंग सुविधा 50% क्षमता के साथ शाम 7 बजे तक शुरू रहेंगे। होम डिलीवरी की सुविधा के लिए रात 11 बजे तक किचन शुरू रखा जा सकेगा। निवासी के लिए होटल लॉज को 50% क्षमता के साथ खुले रख सकेंगे। निजी व सरकारी कार्यालय 50% क्षमता के साथ संचालित होंगे। राष्ट्रीय राज्य विविध शासन स्तर की पूर्व नियोजित परीक्षाएं नियमों का पालन करते हुए आयोजित की जा सकेंगी। दूध दुकान, डेयरी शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे। वाचनालय व अध्यक्ष कक्ष 50% क्षमता से शुरू रहेगी। तो वही दूसरी ओर शराब तस्करी में एक गिरफ्तार। LCB की टीम बुट्टीबोरी थाना क्षेत्र में गश्त लगा रही थी। इसी दौरान मिली शराब तस्करी की सूचना के आधार पर बोरखेड़ी परिसर में नाकाबंदी लगाई गई। कार की तलाशी लेने पर उसने देसी शराब की 192 बोतलें मिली, जिसकी कीमत 11,520 रुपए बताई जाती है। 4 लाख रुपए मूल्य की कार भी जब्त कर ली गई। LCB के PI अनिल जिट्टावार के मार्गदर्शन के हवलदार गजेंद्र चौधरी, महेश जाधव, नायक सिपाही रामा आडे, सिपाही अमृत किनगे ने यह कार्रवाई की। तो वही तीसरी ओर भोपाल संडे लॉकडाउन। राजधानी में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए शनिवार रात 10 बजे से लॉकडाउन शुरू हो गया। रात से पुलिस ने जगह जगह बैरिकेड्स के साथ सख्ती शुरू कर दी थी। प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थी, मेडिकल इमरजेंसी, रेलवे या एयरपोर्ट और नगर निगम के कर्मचारियों के एडमिट कार्ड और पहचान पत्र दिखाकर आने जाने दिया जा रहा है। रविवार सुबह से ही सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। सुबह 7 बजे खोलने वाली दुकानें और मार्केट पूरी तरह से बंद रहे। पुलिस जगह जगह बैरिकेड्स पर जांच करती दिखी। 1-2 वाहन चालक सड़कों पर आते जाते दिखे। हालांकि कुछ जगह लॉकडाउन के निर्देशों का उल्लंघन होते भी देखा गया। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक है ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे खबरों को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ MNS न्यूज लाइव पर। नमस्कार।